अब हम बात करते हैं पैरेलल सैचुरेशन या डिस्टॉर्शन के बारे में। तो पैरेलल सैचुरेशन और डिस्टॉर्शन बेसिकली हमें बेस्ट मिल सकता है दोनों टाइप में। हम पैरेलली कैसे यूज़ कर सकते हैं इसे, कि हम कोई भी चीज़ को जब पैरेलली प्रोग्राम करते हैं या पैरेलली प्रोसेस करते हैं, उस तरीके से हम सैचुरेशन या डिस्टॉर्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। हम अपने ओरिजिनल सिग्नल के साथ साथ सैचुरेटेड सिग्नल को भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली हम कोई भी प्लगइन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे जिसमें हमें ड्राई एंड वेट नॉब मिलता है, तो हम उससे भी इसे यूज़ कर सकते हैं, या हम इसे किसी ऑक्सिलरी चैनल या हमारे रिटर्न ट्रैक पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी मदद से भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेथड हमें एक बहुत ही अच्छा कंट्रोल देता है हमारे ओवरऑल अमाउंट पे, कि हम कितनी अमाउंट का सैचुरेशन हम कर सकते हैं, या कैसे हम अपने ओरिजिनल सिग्नल को प्रिजर्व करके रख सकते हैं और उसके साथ साथ हम सैचुरेटेड सिग्नल भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पैरेलल सैचुरेशन या पैरेलल डिस्टॉर्शन का। तो हमने यहाँ पे एक सैंपल लिया है हमारे मिक्स डाउन का, इसे हम पैरेलली सैचुरेट करने का ट्राई करेंगे। तो हमें बेसिकली पैरेलल में ये होता है कि हमें हमारी सेटिंग्स पे थोड़ा हार्ड जाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एक 15 dB का समझो यहाँ पे ड्राइव दे देता हूँ, जिससे बहुत सारे हार्मोनिक्स ऐड हो जाएंगे और सैचुरेशन लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाएगा। इसे मैं हार्ड कर्व पे सेट कर देता हूँ ताकि ये और हार्ड हो जाए। तो आप सुन सकते हो कितना हार्शनेस आ गया है हमारे साउंड में। तो मैं इसे पैरेलली यहाँ से हमारे ड्राई एंड वेट नॉब से कंट्रोल कर सकता हूँ कि हमें कितना सैचुरेशन चाहिए यहाँ से। और यहाँ से फिर हम यूनिटी गेन भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कितना फ़र्क आता है इसे किसी भी प्लगइन को, या सैचुरेशन हो, ईक्यू हो, कंप्रेशन हो, इसे हम पैरेलली भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें एक ओवरऑल कंट्रोल मिल सकता है हमारे प्लगइन पे, हमारे साउंड पे।